प्रतापगढ़ जिले में फिर सक्रिय हुए भूमाफिया। भूमाफिया ग्राम समाज जमीन पर कर रहे कब्जा। एसडीएम जांच कमेटी गठित कर कार्य रुकवाने का दे चुके हैं आदेश। सारे नियम कानूनों को ताक पर रख कर हो रहा है कब्जा। सरकार के राजस्व को लगाया जा रहा है चूना। तो बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें, भूमाफिया सरकारी जमीन पर इस वक्त कब्जा कर रहे हैं। एसडीएम जांच कमेटी गठित करके कार्य रुकवाने के पहले भी आदेश दे चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग को इस वक्त चूना लगाने का काम किया जा रहा है। तो इस वक्त प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जो भूमाफिया एक बार फिर सक्रिय हो चुके हैं। ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफिया कब्जा करने में लगे हुए हैं। एसडीएम जांच कमेटी गठित करके कार्य रुकवाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, फिर भी सारे के कानून ताक रखकर एक बार फिर से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूमाफिया एक बार फिर सक्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें कि ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफिया इस वक्त कब्जा कर रहे हैं। एसडीएम ने कार्य रुकवाने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद सारे कानूनों को ताक पर रखकर एक बार फिर से कब्जा किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर भूमाफिया सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार प्रशासन इन पर कार्यवाही कर रहे, बावजूद इसके भूमाफिया हैं जो इस वक्त उनके हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम समाज की जमीन पर इस वक्त भूमाफिया कब्जा करते हुए साफ तौर पर वीडियो में देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि पहले ही एसडीएम कार्य रुकवाने के आदेश जारी कर चुके हैं, बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त भूमाफिया सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि भूमाफिया एक बार फिर से प्रतापगढ़ जिले में सक्रिय हो चुके हैं। ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफिया इस वक्त कब्जा करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम जांच कमेटी गठित करके उन्होंने कार्य रुकवाने के आदेश जारी किए थे, बावजूद इसके कार्य को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।